युवक युवती संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी शोभा बढ़ाई है, इसके लिए हम आपका हृदय से आभारी हैं। हम आज के इस हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में गीत गाएंगे, तेरा हो अभिषेक, गीत नंबर 119, म्यूजिशियन 119, तेरा हो अभिषेक। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। हमने आज यूथ संडे मनाया है, थोड़ा और लगना चाहिए कि हमने यूथ संडे बहुत उत्साह से मनाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 114, बैतलहम के गौशाले में, क्योंकि हमारा बड़ा दिन बहुत नजदीक है। बैतलहम के गौशाले में धरती पर आया है, बैतलहम
युग युग का संसारिए नव जीवन की आशा बन नव जीवन की आशा बन जग का नाल के आया है करूंगा हमारे आदरणीय बिशप साहब से कि वह आकर के यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना और जवानों के लिए जो भी वो छोटा एक संदेश देना चाहते हैं। सारे जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां आज के इस यूथ संडे के लिए और इस आनंद में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अपनी कलीसिया को ऐसे टैलेंटेड जवान परमेश्वर ने जगह जगह प्रदान किया है। भाई मृदुल ने कहा कि छोटी दुआ और छोटा संदेश, ठीक है ना सर मृदुल भाई? मुझे तो आपने 6:30 बजे टाइम दिया था, घड़ी मैं देख रहा था, और उसके बाद में बोलते हो कि छोटी सी दुआ। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कितनी तैयारी करते हैं आप लोगों ने, बहुत तैयारी की, संचालक लोग बड़ी तैयारी करते रहे, जवान लोग बड़ा वो करते रहे, पर दर्शक और श्रोता दीर्घा में लोग कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली जो बात है ये आपको साल में एक बार नजर आती है कि यार हमने इतनी तैयारी किया और सुनने के लिए मंडली वाले गायब हैं, तो फिर हम अपना प्रस्तुति किसके सामने करें? अच्छा होता कि ज्यादा से ज्यादा लोग आते, तो आप यूथ संडे में अनुभव करते रहे। मैं तो 40 साल हर सप्ताह ये अनुभव करता था कि लेक्चर तैयार करते बड़े दुआ प्रार्थना के साथ में और उम्मीद करते थे कि लोग आएंगे और आज हम वचन का ऐसा प्रचार करेंगे, और जब लोग नहीं आते थे और सबके पास में अपने अपने कारण होते थे, बड़ी निराशा होती थी। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि मैंने भी ये सोच लिया यार इतनी तैयारी करने से क्या मतलब, बाइबल पढ़ते रहो, ये ढूंढते रहो, ये ढूंढते रहो,
लोग आते ही नहीं हैं तो किसको प्रचार करोगे। और मैं एकदम ढीला हो गया, मैं भी औपचारिकता निभाने लगा। और एक दिन मेरे मन में ये विचार अचानक आया कि अपनी सेवकाई में जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। और मेरे को लगा कि ये बात क्यों आई, और मेरा ये था कि लोग नहीं हैं तो मैं किसको प्रचार करूंगा। और तब मन में ये कहा कि लोग आए ना आए, न्याय के दिन में ये दीवाल, ये ईंटें, ये पत्थर गवाही देंगे कि इस स्थान से वचन प्रचार किया गया था। और उसके बाद से फिर मैंने कभी भी उपदेश में ढिलाई नहीं दिया, कोई सुने या ना सुने, मैं ये समझ करके कि स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित हैं चर्च में, मैं अपनी सेवकाई करते रहा। जवान लोग, कभी निराश नहीं होना। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लिए हम अपने इस टैलेंट को, वरदानों को प्रस्तुत करते हैं उसकी महिमा के लिए। सो निराशाएं आती हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते चले जाएं। एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बच्चों से, जवानों से, मेरी मंडली में भी बहुत टैलेंटेड लोग थे, बड़ी बड़ी शील्ड रखी हुई हैं जो उन्होंने म्यूजिक कॉम्पिटिशन में, भिन्न भिन्न कॉम्पिटिशन में जीता। और जब मैंने एक साल देखा, दो साल देखा कि ये मेरे जवान केवल स्टेज तक ही सीमित हैं, तो मैंने उनको कॉम्पिटिशन में भेजना बंद कर दिया। ये वरदान जो है केवल दिखाने के लिए नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया। यदि आप अपने चर्च में परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये टैलेंट क्या काम का, लोगों को दिखाने के लिए। और उसके बाद से कई साल तक मैंने भेजे ही नहीं। गाना है चर्च में गाना गाओ, बजाना है चर्च में करो। सो वरदान जो मुझको और आपको मिले हैं परमेश्वर की महिमा के लिए मिले हैं, और आपको पांच मिला है, पांच के पांच और बना लो, दो के दो बना लो, पर जमीन में गाड़ करके मत रखो। आज सुबह आप लोगों ने बहुत सुंदर गाना गाया, बहुत बढ़िया। जो स्पीकर महोदय थे उनने भी अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा गाना गाया। मैं ये चाहता हूं, जवान लोग, आप लोग अपने कलीसिया की परंपरा, जो हमारे गीत हैं, हमारी धरोहर है, इसमें भी आगे बढ़ो। यदि आज हम लोग यहां पर वेदी के अंदर गीत गाते हैं तो उसका कारण यह है कि बोर्डिंग में जब हम रहते थे तो हम तो चाहें या ना चाहें, हमको चर्च आना था, संडे स्कूल आना था, यूथ आना था, और इच्छा हो या नहीं हो, नींद आ रही हो, जो भी हो, लेकिन बैठ करके गाना हम सुनते थे, गाते भी थे। और वहीं से हमने मसीही गीत संग्रह के बहुत सारे गाने जो हैं आज हमको याद हैं, वो इसलिए कि हम चर्च में आते थे, उस समय हमें ये सीखने का अवसर मिला। सो ये धरोहर जो है गीतों की, वरदानों की, जो आपकी कलीसिया के पास में है, इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं पिछले समय, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे, पिछले समय नागपुर में था, और नागपुर में वहाँ पर आप सब जानते हैं भाई अंबर प्रकाश और उनकी पत्नी, दोनों म्यूजिशियन हैं, और पहली बार मैंने किसी व्यक्ति को गिटार पे गाना प्ले करते हुए देखा। ऑर्गन में तो सब करते हैं, लेकिन गिटार में पूरी आराधना को लीड करना गीतों को। और चर्च के बाद में वो बोले, बिशप साहब, अरे कम से कम तो आप अपने चर्च में अपने पादरियों को लिटर्जी सिखाइए, गीत सिखाइए। ये हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, और इसको आगे हमको बनाए रखना, अपने जवानों को सिखाना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे मसीही गीत संग्रह से नए नए गाने, वो गाने नए नहीं है पर हमारे लिए नए हैं, अच्छे गाने हैं। और पादरी साहब से निवेदन करूंगा मैं, हमारे जवान जो हैं, जो गीत सीखें, आप उनको उपदेश के पहले यहाँ मौका दें कि तीन चार पांच गीत जो आपने सीखा है आप मंडली को सिखाएं, मंडली के साथ में गाएं, और इस प्रकार से आप पूरे गीतों को जान सकते हैं।
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि जो भजन संहिता 119:9 में कहा गया कि जवान अपनी जवानी को कैसे पवित्र रखे, कैसे शुद्ध रखे, केवल तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसको हमेशा याद रखना। दानियल और उसके मित्र थे, भले ही बंधुआई में पहुंचाए गए, लेकिन जो ऑफर, जो समझौता उनसे करने के लिए कहा गया, नहीं किया। हम सीधा सादा जीवन जिएंगे, सीधा सादा खाना खाएंगे, पर हम अशुद्ध वस्तुएं कभी नहीं खाएंगे। आप यूसुफ के समान बनिए। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय को पढ़ते हैं, वहां एक जवान का वर्णन है। वो जवान का नाम जानते हैं आप? उस जवान का भी नाम दिया है यूतुखुस। हाँ, यूतुखुस। पौलुस प्रचार कर रहा है अटारी पे, और वो खिड़की पे बैठा है। वहां पे खिड़की पे बैठ करके क्या कर रहा है? वचन सुन रहा है? नहीं ना, सो रहा है, वहां ऊंग रहा है और वचन चल रहा है। और यदि हमारे जवान एक आंख संसार की और एक आंख पौलुस की ओर लगाएंगे तो फिर दुर्घटना होती है। हाँ, वो वहां से नीचे गिरा, मर गया। परंतु पौलुस वहां पे है, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर है, वो जीवित बन गया। बहुत बार जवान, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो। आज का पाठ जो था उसमें एक था कि एक जवान बड़ा दौड़ते कूदते आया प्रभु यीशु मसीह के पास और बोलने लगा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, आज्ञा माना कर। अरे, बचपन से मानता आ रहा हूं। प्रभु ने कहा, हां ठीक है, तुझ में एक बात की घटी है, जा अपना बेच और गरीबों को दे दे, कंगालों को दे दे। जहां परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करने की बात आती है, यदि वहां हम पीछे हट गए, हमारा टैलेंट परमेश्वर के लिए यदि खर्च करने की बारी आए और पीछे हट जाए, कोई काम का नहीं है। परमेश्वर के पास आप दौड़ करके आए हैं और दौड़ करके ही जाइए। लिखा है, बड़ा उदास होकर के चला गया। यूसुफ के समान बनिए, और परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिए हैं उसका इस्तेमाल करिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। जैसा आज सुबह ही किसी ने कहा कि ये भविष्य की कलीसिया है आप लोग, और आप लोग इस कलीसिया का प्रतिनिधित्व संसार में करेंगे। मैडम हिमानी सिंह पूछ रही थी कि आप यूथ में रहे हैं क्या? हमको तो समझ ही नहीं आया यूथ में थे कि नहीं थे। पुराने चर्च में हमारा संडे स्कूल होता था, पुराने ही चर्च में हमारा यूथ युवक युवती संघ होता था, और पता ही नहीं चला कि हम कब बड़े हो गए। 73 में मैं ट्रेनिंग जाने के लिए मैंने निवेदन किया बिशप इज़राइलसन से, उन्होंने भेज दिया मेरे को सेजा। और जब मैं सेजा में छोटे बाबू के रूप में सेवा दे रहा था, उसी समय मृदुल के पप्पा और आमोन पासाब, इनसे मेरी दोस्ती हुई, हम सब वहीं पे संग में रहते थे। वो समय गुजर गया, परंतु एक संडे मुझे यहाँ आना पड़ा और मुझे लेक्चर देना पड़ा। कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, और पहली बार पुराने चर्च में, जब मैं मतलब काम कर रहा था, कुछ आता जाता नहीं था, और मुझे वहां पर प्रचार करना पड़ा, और मेरी हालत आप जान सकते हो कि क्या हुई होगी। जो कुछ कॉपी में लिखा था 10 मिनट के अंदर पढ़ पढ़ा करके वापस हो गया। पहला काम, पता ही नहीं चला यूथ था कि नहीं था मैं, लेकिन लीडरशिप में पहले से आ गए। सो हम लोग जहां भी रहे, जहां भी, चाहे यहां रहे हों, चाहे रांची में, चाहे सरामपुर में जब पढ़ते थे, जहां भी रहे, हमने अपने कलीसिया का नाम सदा ऊंचा किया। हम लोग को जानते थे कि एमपी वाले हैं। आप लोग भी जहां जाएं मसीह की सुगंध बने और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं
इस अनुग्रह, इस आशीष के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपने कलीसिया को दिया है। प्रभु ने स्वर्ग जाकर जो वरदान कलीसिया को भविष्यवक्ताओं के रूप में, शिक्षकों के रूप में, रखवालों के रूप में, सिखाने वालों के रूप में, प्रचारकों के रूप में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर की आपने अपनी कलीसिया में बच्चों को, जवानों को, सयानों को, बुजुर्गों को दिया है और हर एक को आपने अपनी महिमा के लिए अलग अलग स्थानों में रखा है। आपके नाम की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी एमपी ईएलसी की कलीसिया के सारे जवानों के लिए कि प्रभु परमेश्वर आपने अलग अलग मंडलियों में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये मंडली में आपने जवानों को उन पौधों के समान रखा है जो आपके मंदिर में रोपे गए हैं। हे पिता, नम्रता और दीनता के साथ ये प्रार्थना है कि आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई इन बच्चों को निरंतर मिलने पाए कि ये जहां भी रहें मसीह यीशु की सुगंध बन करके आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सकें। मैं अनुग्रह चाहता हूं प्रभु परमेश्वर की उन संचालकों ने जिन्होंने इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लिया है कि इन बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देंगे जिसमें इन्हें चलना चाहिए। सो वर देना प्रभु परमेश्वर कि उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हमारे जवान उस मार्ग में आगे बढ़ सकें जहां उन्हें चलना चाहिए और बुढ़ापे तक वे उससे ना हटने वाले हों। अपने पवित्र आत्मा के उत्तम वरदानों से इन बच्चों को परिपूर्ण करना कि प्रभु परमेश्वर जहां वे बौद्धिक ज्ञान में आगे बढ़ते चले जाते हैं, आत्मिक ज्ञान में, आत्मिक वरदानों में भी आगे बढ़ते चले जाएं, अनुग्रह करना। आज जो कुछ भी इनने तैयारियां की हैं प्रभु, केवल आज तक सीमित नहीं हो, पर इन सारे कार्यक्रम के द्वारा से जो शिक्षा, जो चेतावनी वे लोगों को देना चाहते हैं, जो आपको वे समझते हैं, उसका प्रकटीकरण करते हैं, प्रभु हर एक के लिए आशीष का कारण बने। मैं हर एक जवानों को आपके पवित्र आशीष में हाथों में सौंपते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद बिशप साहब। मैं एक थोड़ा सा समय और लूँगा और आज एक शोकित परिवार हमारे बीच में, जो लाल परिवार है, जिनकी माता को प्रभु ने अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ है, तो मैं नीलिमा भाभी से निवेदन करूँगा कि उस परिवार के लिए एक प्रार्थना करेंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति, तारीफ, प्रशंसा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपकी करते हैं, आपके सन्मुख आते हैं, लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस समय हम उस शोकित परिवार को याद करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में जिनकी बुजुर्ग माता को आपने अपने पास बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उस घर में अपनी सच्ची शांति को दीजिए पिता परमेश्वर। हम बिंदी और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने एक लंबी आयु उन्हें दी पिता परमेश्वर, और आज प्रभु जी उन्हें अपने शांति प्रिय स्थान में बुलाया है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं उस पूरे परिवार को पिता परमेश्वर अपनी सच्ची शांति से भरिए। हम निवेदन करते पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को अपने हाथ में लीजिए और जो भी जवानों में दान वरदान आपके द्वारा दिए गए हैं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु जो भी कार्यक्रम वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हमारी हर एक प्रार्थना निवेदन को सुनिए और स्वर्गीय राज में ग्रहण करिए, आमीन। अब हम अपने इस कॉम्पिटिशन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रारंभ करने के पहले मैं बिशप साहब से अनुमति चाहूँगा कि हम कार्यक्रम को शुरुआत कर। धन्यवाद। जजेस कृपया ध्यान देंगे कि हमने यूथ के तीन ग्रुप बनाए हुए हैं, और जो हमारा ग्रुप ए है उसका नाम है शद्रक, ग्रुप बी का नाम है मेशेक और ग्रुप सी का नाम है अबेदनगो। तो शद्रक, मेशेक और अबेदनगो तीन ग्रुप हैं। हम स्टार्टिंग में ग्रुप सॉन्ग
से हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस प्रोग्राम को, तो मैं ग्रुप ए जो है हमारा उसको यहाँ आमंत्रित करूँगा कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। शद्रक ग्रुप जजेस ध्यान देंगे कि समय निर्धारित है, उसमें आपकी लिस्ट में लिखा हुआ है, समय का भी ध्यान रखेंगे और जो जो उसमें निर्देश दिए हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं उन सभी चीज़ों को आप नोट करेंगे। मैक्सिमम टाइम जो है उसका 5 मिनट्स का है। हेलो, हेलो हेलो ठीक है। दया मिलेगी हमको पर पूरी से
यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आप लोगों ने शद्रक ग्रुप की प्रस्तुति देखी, सुनी। अब समय का एक ग्रुप ये कि वो आकर के अपनी परफॉर्मेंस यहां पर देंगे, मेशेक ग्रुप। जजेस कृपया देखें कि ये लोग कितने जल्दी आकर के यहां पर अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं वो देंगे। हेलो, हेलो
बोलो। हेलो हेलो, ये गाना हम परमेश्वर की महिमा के लिए गा रहे हैं, तो आप सब इसमें एंजॉय कीजिए। हेलो जिंदगी दिया तूने, शुक्रगुजार हूँ मैं ये शुक्र।
हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो। अभी आप लोगों ने मेशेक ग्रुप की प्रस्तुति देखी, जो कि बहुत सुंदर कव्वाली के रूप में उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की है। अब समय होगा अभेदनगो ग्रुप के लिए कि वो आकर के अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। अभेदनगो ग्रुप चेक हेलो चेक हेलो हेलो आप सभी को जय मसीह की। हम अभेदनगो ग्रुप से यहाँ पे परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं।
हेलो, कृपया ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारे ग्रुप सॉन्ग का कंपटीशन समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे डुएट सॉन्ग युगल गीत प्रतियोगिता। इसके लिए भी मैं आमंत्रित करूँगा ग्रुप ए शद्रक ग्रुप से। शद्रक ग्रुप, समय सीमा इसमें भी 5 मिनट की ही है। जैसे ही यहाँ पर परफॉर्मेंस उनका स्टार्ट होता है, आप समय अपना भी वहाँ पर नोट कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, आप सभी को जय मसीह की। हम दोनों, मैं ऐश्वर्य अल्बर्ट और इनका नाम अर्पित एंथोनी, हम दोनों डुएट कंपटीशन में सॉन्ग गाने जा रहे हैं शद्रक ग्रुप की तरफ से, जो कि ये बे इंतहा प्यार है। से मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। Yeah.
तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं, तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत, तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू मिला तो मुझे सब तुझ में मिला। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करूंगा मेशेक ग्रुप से एलन और नैना को कि वो आकर के अपनी यहां पर प्रस्तुति देंगे। जजेस कृपया ध्यान देंगे, मेशेक ग्रुप से एलन मरे और नैना विश्वकर्मा। मेरे जीवन
जीवन से महिमा तुझे मिले। समय होगा अवेदनगो ग्रुप के लिए कि वो अपना डुएट यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अवेदनगो ग्रुप जजेस कृपया ध्यान देंगे, इसमें सोनू जेकब, और एस्तर सोनू जेकब और एस्तर हेलो ग्रुप ए। अब इसके बाद सिर्फ एक सोलो परफॉर्मेंस और है संगीत के कंपटीशन में, तो ग्रुप ए अपने स्किट की तैयारी के लिए जा सकता है। हेलो, जिसको सोलो परफॉर्म करना है वो यहाँ रुक जाएगा और बाकी लोग जा सकते हैं अपना तैयारी के लिए। हेलो, आप सभी को जय मसीह की।
अरे सवारियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है इस सुंदर स्तुति के लिए थर्ड ग्रुप को बहुत धन्यवाद। आप सबों ने परमेश्वर की महिमा दिल से की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अब पारी है सोलो सॉन्ग की। तीनों ग्रुप वाले तैयार? नहीं है तैयार, आवाज ही नहीं आ रही।
जजेस आर रेडी, जज तो रेडी है पर पार्टिसिपेंट्स हेलो चैट रू ए पाक ए खुदा तूने किया मुझे अदा, रू ए पाक ए खुदा तूने किया मुझे अदा, बस तेरे ही पनाह में मैं चलता रहूं सदा, बस तेरी ही पनाह में मैं चलता रहूं सदा। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, जवानों के लिए है ये, ध्यान से सुनेंगे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ तेरे वचनों पर ही रहूं फिदा। फिदा वर्ड स्पेशल आया है, फिदा वर्ड हम जवानी के समय में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए सिर्फ तेरे ही वचनों पर रहूं मैं फिदा। किसी हालात से मैं क्यों डरूं भला, किसी हालात से मैं क्यों डरूं भला, जब तेरा हाथ मुझ पर बना रहे सदा, जब तेरा हाथ मुझ पर बना रहे सदा। इसी के साथ पहले ग्रुप से हम आमंत्रित करते हैं एकल गायन के लिए लड़कियों में। कौन आ रहा है पहले ग्रुप से, ग्रुप नंबर ए से? हमारी प्यारी एलना सिंह, जोरदार तालियां हमारी प्यारी एलना के लिए। हेलो, आप सभी को जय मसीह की।
आकाश में होसन्ना दूतों ने गाया है। एक बार हम भी जोर से होसन्ना के नारे लगाएंगे, जोर से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 और जोर से। जब दूत गा सकते हैं तो हम क्यों नहीं गा सकते हैं। ये तालियां थी एलना के लिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक ताली हो जाए जोरदार वाली पर्सन अंकल के लिए, उनकी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना है। अब अगली प्रस्तुति के लिए दूसरा ग्रुप, मेशेक ग्रुप, इससे मैं आमंत्रित करूंगी रानी को अपने एकल गान की प्रस्तुति के लिए। मेशेक ग्रुप, रानी। हेलो। मेरा सहारा हे यीशु नाम, मेरा किनारा हे यीशु नाम, नाम नाम मेरा समाए मेरा सहारा
तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो, रंगों रोशनियों से दामन भरता है वो। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बेटी को धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति के लिए ग्रुप सी से हमारे बीच में आएंगी संचिता साहू रिया, अवैध नगो ग्रुप, ग्रुप नंबर सी, रिया। आप सबों को जय मसीह की। जिक्र करूं
शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सुंदर प्रस्तुति के लिए बेटी रिया को धन्यवाद। ये यहाँ पे एकल गायन युवती वाला कॉम्पिटिशन समाप्त होता है। अभी एक विशेष सूचना ये है कि बाहर चाय की व्यवस्था है, आप लोग जा कर के बाहर चाय पी सकते हैं। इसी बीच में हमारे सीनियर यूथ भाई सामर्थ रॉस हैं, जब तक वो आप लोग चाय पी सकते हैं तब तक वो परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहते हैं, और जिन्हें चाय पीना है वो चाय पी करके तब तक आ सकते हैं। इसके बाद हम एकल गायन युवक इसकी प्रतियोगिता करेंगे, तो कृपया कर आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं जिन्हें चाय पीना है, और कृपया कर सारे लोग कप्स को डस्टबिन में ही डालें। क्या मौका है, क्या खूबसूरत समय है, परमेश्वर की महिमा हो, उसकी तारीफ हो, उसकी बड़ाई हो। वो उद्धार करता है और सभी का उद्धार करता है। तो कल किसने देखा है, आज तो आज यही है। समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। जरा सोच कितने दिनों तक दुनिया में जिंदा रहेगा मन की अभिलाषाओं से जीवन नहीं पाएगा। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है। समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है। समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। कल किसने देखा है, जरा सोच कितने दिनों तक दुनिया में जिंदा रहेगा। यीशु है ज्योति, यीशु है सामर्थ, यीशु है ज्योति, यीशु है सामर्थ, यीशु को साथी बना ले। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है। समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। कल किसने देखा है, लंबा सफर जिंदगी का ना अकेले चल पाए।
सामर्थ भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारे म्यूजिशियंस भी चाहते हैं चाय पीना। बेटा यदि और कोई बजा सकता है तो उनको भेज दीजिए, यहाँ पियानो पे बैठ जाएगा। आयलन को भेजिए। मैं आमंत्रित करती हूँ शिमरॉन रॉबर्ट को। शिमरॉन रॉबर्ट, बेटा शिमरॉन रॉबर्ट, मंच पर आए। जजेस कृपया कर अंदर आएंगे जजेस, ताकि हम अपनी अगली प्रतियोगिता प्रारंभ कर सके। तीनों ग्रुप के प्रतियोगी जल्दी अंदर आ जाएं। तीनों ग्रुप के जवान जल्द से जल्द अंदर आ जाएं। जो अंदर बैठे हैं वो अपने साथियों को जाके बुला लें।
माइनस मार्किंग चालू हो गई है भाई। कंपटीशन के बाहर है, इसको कंपटीशन में ऐड ना करें। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। ग्रुप है शद्रक ग्रुप से, प्रथम यहां पे हैं। ग्रुप बी से ऋषभ लाल हैं यहां पे, और ग्रुप सी से रूबल हैं। तो अब हम अपना थर्ड कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। जजेस कृपया ध्यान देंगे, एकल गायन युवक, ग्रुप ए शद्रक ग्रुप से मैं आमंत्रित करती हूं प्रथम डेविड को। हेलो
हेलो जितने लोग बाहर हैं कृपया अंदर आएं। हेलो 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 बेटा अपन भजनालय में बैठे हैं, सारे बच्चे ध्यान दें, हेलो हेलो जोश में आकर के चर्च के गरिमा को हेलो हेलो आपको मालूम है कैसे बैठना है ना, चर्च की गरिमा को बनाए रखें बेटा। हेलो जब परफॉर्मेंस हो जाए तब आप अच्छे से शालीनता से हेलो हेलो ताली बजाएं और प्रोत्साहित करें, हेलो पर बीच में चिल्लाना नहीं बेटा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के लिए एक गीत मैं गाना चाहता हूँ। तुझको पुकारूं तेरे करीब मैं आता हूँ, जैसा भी हो तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। तुझको पुकारूं तेरे करीब मैं आता हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। आत्मा मेरी तेरे प्यासी है, जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत कर दे मुझे,
मेरे नया कर दे मुझे हम सबों को अपनी ज़िंदगी के हर क्षण में हर पल में प्रभु की ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत है। इस सुंदर प्रस्तुति के साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही वो आप लोगों को उपयोग करें कि आपके सुंदर सुरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दूसरे ग्रुप से बेटे ऋषभ लाल को, ग्रुप बी मेशेक ग्रुप। हेलो, भटक रहा था इस दुनिया में अकेला ही अकेला, आँखों में आंसू टूटा हुआ दिल, छोड़ गए सारे अपने,
भटक रहा था इस दुनिया में अकेला ही अकेला। आँखों में आंसू टूटा हुआ दिल छोड़ गए सारे अपने। तब सुना मैंने एक आवाज, तब सुना मैंने एक आवाज, वो आवाज मसीह की, वो आवाज मसीह की। ये जिंदगी ये जिंदगी ये जिंदगी दी है मसीह ने मुझे, दी है मसीह ने मुझे। मेरे लिए बलिदान मेरे प्रभु मेरे मसीहा, तेरी कृपा से पाया हूँ जीवन, करूँ तेरी महिमा। हर दम तेरे साथ रहेंगे, हर दम तेरे साथ रहेंगे, ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम। ये जिंदगी ये जिंदगी ये जिंदगी दी है मसीह ने मुझे, दी है मसीह ने मुझे, दी है मसीह ने मुझे। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये जिंदगी दी है मसीह ने मुझे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ग्रुप सी से, अबेदनगो ग्रुप से, बेटे रूबल मैसी को। रूबल मैसी ग्रुप सी। हेलो। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाय आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाय आराधना,
बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एलशदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एलशदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एलशदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एलशदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एलशदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ यीशुआ। बेटे रूबल को बहुत बहुत बधाई सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब हमारा यहाँ पे तीसरा कंपटीशन स्टार्ट होगा स्केट का। गुनाह की राह पर फिर से कभी ना जाना, गुनाह की राह पर फिर से कभी ना जाना, अंधेरों की बातों पर यकीन ना लाना, अंधेरों की बातों पर यकीन ना लाना, गर कोई पूछे तुम्हारी उम्मीद क्या है, गर कोई पूछे तुम्हारी उम्मीद क्या है, तो बेखौफ उसको यीशु का नाम बताना, तो बेखौफ उसको यीशु का नाम बताना। जब कभी अंधकार की छाया तुम पर हावी हो, जवान लोग ध्यान दें, जब कभी अंधकार की छाया तुम पर हावी हो, तो मसीह के वचन के दीप को जगमग तुम जगाना, तो मसीह के वचन के दीप को जगमग तुम जगाना, गुनाह की राह पर फिर से कभी ना जाना, गुनाह की राह पर फिर से कभी ना जाना। ग्रुप ए शद्रक रेडी है क्या स्किट के लिए? ठीक है, तो आपके सामने प्रस्तुत है शद्रक ग्रुप से एक नाटक जिसका नाम है रिलेशनशिप ड्रामा। रिलेशनशिप जजेस रेडी हैं? जो स्किट के जज हैं, स्किट जजेस अलग हैं, सॉन्ग के जजेस अलग थे। हेलो हेलो, आप सभी को जय मसीह की। अभी जो हम नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं उसका नाम रिलेशनशिप है, और इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आजकल का जो यूथ है वो रिलेशनशिप एंड लव के पीछे इतना पागल हो गया है कि वो प्रभु से दूर और शैतान के पास ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि नाटक के रूप में हम यही बताना चाहते हैं कि आज का यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है।
Something I can't.
बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके बाद जो मेशक ग्रुप है उसके द्वारा भी यहाँ एक स्किट प्रस्तुत किया जाएगा जिसका कि नाम है लाइफ स्टाइल ऑफ जीजस। मंडली के जो सदस्य आए हैं, बहुत कम कार्यक्रम बचे हैं, कृपया धीरज बनाए रखिए और बैठ के इसका आत्मिक आनंद लीजिए। जजेस कृपया ध्यान देंगे। नेक्स्ट ग्रुप का नाम है मेशक ग्रुप और इस नाटक का नाम है लाइफ स्टाइल ऑफ जीजस। आपका समय शुरू होता है अब। जजेस कृपया ध्यान देंगे, 15 मिनट का समय है।
बहुत सुंदर प्रस्तुति जवानों के द्वारा की गई। अब अबेदनगो समूह, अबेदनगो जो ग्रुप है, उसके द्वारा यहाँ एक स्किट प्रस्तुत किया जाएगा जिसका नाम है रिबिन। रिबिन अबेदनगो समूह के जवानों का समय शुरू होता है अब। आप सभी को जय मसीह की। हमारे रिबन्स जो स्किट है उसमें हम रिबन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आज का यूथ जो संसार की नाना प्रकार की आदतों और संगति में फंसकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, और जब वो बिल्कुल पूरा टूट जाता है तो परमेश्वर ही उसका एक लौता सहारा बनता है जो उसे एक नया जीवन देता है। Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's here, where your blood was spilled. I'm
अबेदनगो समूह के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति की गई और ये हमारा अंतिम कार्यक्रम था युवक युति संघ का। और जब तक जजेस अपना तीनों ग्रुप का टोटल कर रहे हैं, अभी हम हमारे बहुत पुराने युवक युति संघ के यूथ हैं रितेश प्रकाश जैरी, और जैरी अपने एक कॉमिक को लेके यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे और उसके बाद हम आगामी कार्यक्रम भाई मृदुल हैमिल्टन के हाथ में सौंपेंगे प्रतियोगिता के परिणाम। और भाई रितेश प्रकाश को थोड़ा सा समय है अभी और उनकी टीम आ जाएगी यहाँ और अपने कॉमिक की प्रस्तुति देगी। ये स्किट सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, कोई भी इसे सीरियस ना ले।
कहाँ घूम रहे हो? मैं तो धार के मार्ग पर जा रहा हूँ। तो मैं भी आ सकता हूँ? बिल्कुल आ जाओ, चलो साथ चलते हैं। कहाँ जा रहे हो भाइयों? धार के मार्ग पर। मैं भी चल सकती हूँ क्या? चलो चलो। तो भाई कहाँ जा रहे हो? उधार के मार्ग पे जा रहे हैं। मैं भी चल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल चल सकते हो। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? धार्क में मार्ग पे जा रहे हैं भाई हम लोग। मैं भी चलूँ क्या? बिल्कुल चलो चलो चलो। मार्ग पे जा रहा हूँ। कहाँ? उद्धार के मार्ग में। क्या मिलेगा? ऐसा चुप बे। मैं उद्धार के मार्ग पे जा रहा हूँ। क्या मिलेगा वहाँ? बता बता, सोच के बता। क्या मिलेगा वहाँ? क्या मिलेगा? देख ये सब कुछ मेरा है, ये जितने बैठे हैं मेरे, सब कुछ मेरा है, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा। उद्धार का मार्ग भूल जा। क्या मिलेगा मुझको? बस स्टैंड मानसरोवर तेरा। और कुछ दे सकते हो क्या? लालच। रेलवे स्टेशन ले ले, कमाकल रात से मैं बात कर लूंगा। सीधे घर जाना, उद्धार के मार्ग को छोड़ दे। चल सीधे जाना घर। तू कहाँ जा रहा है? धार के मार्ग पे जा रहा हूँ। क्या करेगा वहाँ जाके? नहीं पता। पता नहीं उद्धार के मार्ग पे जा रहा है। मैं कौन हूँ पता है? ये सब कुछ मेरा है। मैं कैसे मार? मजाक कर रहा है? उद्धार के मार्ग को छोड़, मेरे साथ हो ले, सब कुछ तेरा। मैं कैसे मानूं? क्या क्या चीज, क्या क्या दोगे मुझे? एक काम कर, बॉयज बोर्डिंग और गर्ल्स हॉस्टल बड़ा हाथा रख ले। सही में? सही में। और कुछ मिल सकता है क्या? लालच। क्या? कुछ नहीं, छोटा हाथा भी रख ले। चल पक्का? पक्का। चल घर जा, रुक तो जा, कागजात तो ले जा। चल सीधा घर जा। ए घर उधर है तेरा। ए अभी तक रुके ही नहीं। सुन कहाँ जा रही है? आप कौन? अपनी समझ लो। एक्सक्यूज मी, पैर घिस जाएंगे। कहाँ जा रही हो? उधार के मार्ग पे जा रहे। इधर आ। नहीं। सुनो तो, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। मुझसे करोगी? छी, तुमसे कौन करेगा शादी? उसका हीरो सलमान खान आया है, ऑडिशन ले रहा है पूजा लॉज में। हाँ? तुम यहाँ करी, उधार के मार्ग में जाके क्या करोगी? सिनेमा के मार्ग में जाओ। जाओ जाओ, उधार के मार्ग में कुछ नहीं मिलेगा, सबकी माँ सिनेमा। ये रुक नहीं रहे। इधर आ।
बहुत कर रहा है इधर। अरे सुन ना, कहाँ जा रहा है? उधार के मार्ग पर। क्या मिलेगा वहाँ जाके? बहुत कुछ। कैसे की? क्यों बताऊँ? बताना, मैं बताऊँगा फिर वहाँ क्या क्या मिलेगा मेरे बच्चे। पहले दूर से है ना? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? स्वर्ग का राज मिलेगा और क्या? स्वर्ग का राज? यही मैं तेरे को स्वर्ग दे दूं तो? कैसे? बहुत कुछ है मेरे पास। क्या है? क्या चाहिए बोल। क्या दे सकते? एक काम कर, कोला ढाना शांतिपुरा रख लिया। पक्की बात? पक्की बात। पैसा तो नहीं लगेगा? कुछ नहीं। और लालच? क्या बोले? कुछ फिर से बोलना। ये जा रहे उद्धार के मार्ग। एक काम कर, डैनियलसन हिंदी मीडियम और कॉलेज रख ले। वो भी? वो भी। पक्की बात? पक्की बात। सुनो तो, और कुछ भी है क्या? एक काम कर, बोधरी नदी का पुल देता हूँ, टोल नाका खोल ले। ठीक ठीक ठीक। और वो बड़ी वाली बिल्डिंग? जब शांतिपुरा में है, तेरा है तो तेरी छुई ना। ठीक ठीक ठीक, तो जाऊँगा। उद्धार का मार्ग छोड़, सीधे घर जा। रुक जा, कागजात लेके जा। ये जाएंगे उद्धार के मार्ग पे। ये घूम ही रहा है। सुन तो, ए सुन, सुनना कर रहा है, कर रहा है। इसके लिए कुछ बचा है कि नहीं देखता हूँ। पहाड़र अस्पताल बचा है। सागर चिल्ड्रंस मिशनरी बचा है। सागर ईएलसी बचा है, पढ़ जाना चाहिए। सुन तो, बड़ा ढीठ है। कहाँ जा रहा है? मैं उद्धार के मार्ग पर जा रहा हूँ। क्या मिलेगा वहाँ जाके? मैं प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर जा रहा हूँ। शैतान तू दूर हो जा। सुन तो, एक डील करते हैं। नहीं, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। शैतान तू अभी दूर हो जा। बहुत कुछ है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक डील करते हैं, आ जा। नहीं नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। शैतान तू अभी दूर हो जा। कुछ नहीं मिलेगा, मैं दे रहा हूँ ना। अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह, उसमें सब कुछ मिलेगा। बड़ा कर रहा हूँ, ढीठ निकला है। सुन तो, एक डील कर मेरे साथ, मैं तेको बना दूंगा। शैतान, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से, मसीह गीतों से और स्किट से आप लोग सब आशीषित हुए होंगे। और ये लास्ट जो स्किट किया गया था भाई जैरी प्रकाश और उनके साथियों के द्वारा, हम उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। अब समय आ गया है रिजल्ट अनाउंस करने का। हम सभी जजेस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने परमेश्वर के भवन में बैठ करके पूरी ईमानदारी के साथ जजमेंट किया। वैसे तो इन सब परमेश्वर की स्तुति के लिए जो भी काम होता है उसमें कोई जज नहीं कर सकता, पर एक फॉर्मेलिटी है जिसमें कि प्रतियोगिता रखी जाती है, तो इसलिए हमको करना पड़ता है जजमेंट। मैं
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आदरणीय पास्टर साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सोलो गर्ल्स से। सोलो गर्ल्स क्या बताएंगे, थर्ड पोजीशन किसकी होगी? फर्स्ट सब बता देते, थर्ड पोजीशन बताइए किसकी होगी। थर्ड तो कोई आया ही नहीं है। क्या सेकेंड कोई आया होगा? पहला पता है कह रहे, दूसरा नहीं पता। क्यों रानी रानी क्यों भाई, रानी से दुश्मनी है? रानी एस्तर तुमको सेकेंड ला रही है। चलिए, सही गैस किया एस्तर ने, सेकेंड प्राइज गोज टू रानी। ये है मेशेक ग्रुप की ग्रुप नंबर 2। ग्रुप बी की है रानी, ये हॉस्टल से आती है। हम इसके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे, हॉस्टल वाली है ये। फर्स्ट कौन आया? एलना सिंह और संचिता साहू, जोरदार तालियां दोनों के लिए। एक मिनट रिया रुकेंगे, एक विशेष उपहार रिया आपके लिए भाई सावंत की तरफ से। और ये गिफ्ट आप तीनों आ जाएं, जिनको मिला है गिफ्ट सहित आइए। और ये गिफ्ट हर साल की तरह हमारी पुरानी यूथ कृपया कर खड़ी हो जाएं, बहन सिल्वा डफू इनकी तरफ से है ये। हम सब मिलकर के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके इतने बड़े सहयोग के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। किसी ने फोटो लिया? अरे ले लो भाई। चलिए सेकेंड बॉयज सोलो। सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड कौन आया होगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ, फर्स्ट आए हैं प्रथम जो है श्रद्धा ग्रुप से। और द्वितीय पुरस्कार जाता है, किसको जाता है? अभिनगो मेशेक। कौन है जल्दी बताओ अभिनगो मेशेक, जल्दी बताओ। मेशेक ग्रुप ऋषभ बेटा, ऋषभ लाल। बेटा रूबल आएगा थर्ड पोजीशन। और ये उपहार मेरी प्यारी
माता श्रीमती के फिलिप की स्मृति में दिया जाता है। अब आता है डू इट। अब फर्स्ट से शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट आए हैं थर्ड ग्रुप अवेद नगो डोइट के। आ जाइए सोनू और एस्तर। बेटी एस्तर भी हॉस्टल में रहती है। हम जोर से ताली बजाएंगे। इन बच्चियों ने अपना पूरा समय दिया, सहयोग दिया, रात में भी आती थीं। सेकेंड प्राइज शद्रक को जाता है, शद्रक ग्रुप को। बेटे अर्पित को, एंथोनी एंड एशविल अल्बर्ट। और थर्ड मेशे ग्रुप बेटी नैना और बेटा एलन। नैना भी बहुत दूर से आती थी, छोटी बाजार से, और रात को 9:30 बजे प्रैक्टिस करके लौट के जाना बहुत बड़ी बात होती है एक बेटी के लिए। परमेश्वर इन बच्चों में ऐसी ही लगन रखे, बनाए रखे। और ये जो इनाम मिला है डू इट का, ये है मृदुल भैया और भाभी की ओर से उनके दादा दादी हैमिल्टन अंकल आंटी के स्मृति में। जोर से ताली बजाएंगे हम। ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग में फर्स्ट चलो डिसाइड कर लो फिर देंगे। संतोष कह रहा उनको दे दो, जेरी भैया ने इनके पास ट्रांसफर कर दिया, उनको दे दो, उनको दे दो, सब बांटना है। चलिए फर्स्ट आए हैं ग्रुप सॉन्ग में, ग्रुप नंबर सी अवेद नगर। आइए बेटा सब आओ। दोनों ग्रुप वाले बहुत जोर से ताली बजाएंगे, बहुत जोर से। सेकेंड पोजीशन पे है मेशे ग्रुप कव्वाली के लिए। और थर्ड पोजीशन पे है, आ जाइए बेटा। जोर से तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पासब। अब मैं आमंत्रित करूंगी पर्सन अंकल को कि वो मंच पे आए। स्किट के रिजल्ट अब घोषित किए जाते हैं। थर्ड पोजीशन स्किट में किसकी आई होगी, गैस करके बताएं।
पोजीशन पे हैं। स्किट तीनों बहुत अच्छे थे, तीनों से हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की परफॉर्मैलिटी के लिए। थर्ड पोजीशन है शद्रक ग्रुप की, शद्रक ग्रुप। जोर से ताली बजाइए बेटा, नहीं तो इनाम वापस ले लेंगे अभी जो जो मिले हैं। सेकेंड आए हैं अंकल, रुकिए। सेकेंड पोजीशन पे हैं अबेद नागो ग्रुप, आपका स्किट भी बहुत अच्छा था। तालियां। फर्स्ट पोजीशन मेशेक ग्रुप, और ये वाले जो इनाम हैं ये फर्स्ट ग्रुप को जो दिया गया है, ये नीरज भैया और भाभी की तरफ से तिमोथी अंकल की स्मृति में दिया गया है। तो नीरज भैया भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जेरी भाई ने बहुत मेहनत करे, उनकी इस मेहनत से कोई बहुत प्रसन्न हुआ। भाई टोनी बैंकर ने जेरी को, जेरी आप आए सामने, आपकी शैतान बनने की एक्टिंग से आपको और आपके ग्रुप को, आइए सब सामने। जेरी भैया वाला जो लास्ट स्किट हुआ था उसके ग्रुप वाले आइए, जितने बच्चे थे उसमें आओ स्टेज पे आइए। और मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर हैमिल्टन अंकल को। अंकल आइए, अंकल। तो कैसा था इनका स्किट, अच्छा था? तो सभी बच्चों को टोनी बैंकर की तरफ से उनके स्वर्गीय पिता की स्मृति में, बैंकर अंकल की स्मृति में सभी बच्चों को 100-100 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। जैक्सन भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू अंकल। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वार्डन साहब जैक्सन भैया को, आइए भैया। अब जैक्सन भैया भी एक गाना।
प्रस्तुत करेंगे और आप लोग चाहो तो डांस भी हो जाएगा जो 31st में होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिस होती थी रोज़ शाम को, इस प्रैक्टिस को कराने में हमें, यानी किसी भी पोस्ट पे ना होते हुए भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहयोग प्रदान करने वाले, समय समय पे बच्चों को लाने ले जाने और उन्हें देखने वाले जो हमारे सहयोगी हैं, माइक व्यवस्था, लाइट का, ये सब अरेंजमेंट, सारे की सारे अरेंजमेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम करने वाले, हम उनको कभी नहीं भूल सकते अपने साथियों को। तो हम बहुत धन्यवाद के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दे सकते कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, अपने घर के कामों को छोड़कर हमारे साथ रहे। मैं बुलाऊंगी अनुग्रह राव को, अनुग्रह राव के लिए सब तालियां बजाएंगे, क्योंकि जो काम कोई नहीं करता है वो लड़का दिलो जान से वो करता है और खूब खुशी से करता है, जब बुलाओ तब आ जाता है। वैसे ही जेरी को भी जब भी बुलाया गया है वो समय पे उपस्थित हुआ है और उसने बच्चों के प्रैक्टिस में निरंतर सहयोग प्रदान किया, अपनी सलाह दी और मदद किया। जेरी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग और आपके प्रेम के लिए। और परमेश्वर ने हमारे जवानों को इतने अद्भुत वरदानों से परिपूर्ण किया है और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनके वरदानों को निरंतर अपने उपयोग में लाए। मैं बुलाना चाहूँगी विली को, विली जो तबला बजाता है कोलाडाना से, अनुग्रह सुमेरा, विली को बहुत बहुत धन्यवाद। विली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लास्ट इनाम हमारे आदरणीय पास्टर साहब के लिए है। पास्टर साहब मना कर रहे हैं, क्या करें, वो लोगों को तो हम लोग दे दिए हैं। पास्टर साहब आइए, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट ग्रहण कीजिए। थैंक यू जैक्सन भैया। बिशप साहब चले गए हैं, हम माफ़ी चाहेंगे कि हमारा टाइम 6:30 बजे का था, मगर बच्चे सुबह भी, यानी कल रात में काफ़ी देर तक बच्चों ने प्रैक्टिस की, उनके स्किट से रिलेटेड प्रॉप्स रेडी किए, फिर काफ़ी रात हो गई थी, फिर मॉर्निंग में भी जल्दी उठे, चर्च आए, फिर उसके बाद मेले की तैयारी वो लोग करते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने दोपहर में भी पूरी प्रैक्टिस की। वो काफ़ी थक गए थे, उनके पास समय नहीं था कि वो एकदम टाइम पे नहीं आ सके। हम सभी लीडर्स इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, बिशप साहब से भी मैं, यानी मेरा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा, हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आप लोग का समय कीमती होता है। तो अगली बार से हम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हमारे जवान भी ध्यान रखेंगे कि समय पर हम अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। मैं सभी जवानों के माता पिता को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हम सभी यूथ लीडर्स पे भरोसा करके अपने बच्चों को शाम के समय में प्रैक्टिस के लिए भेजा। मैं आप सबका हृदय से, हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से, लीडर ग्रुप, यूथ लीडर ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग का प्रेम और आप लोग का भरोसा ऐसा ही बना रहे, आपके बच्चे निरंतर ऐसे ही परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते रहें और अपना समय, जो आपके बच्चों ने जो समय परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए दिया है, परमेश्वर उसका 1000 गुना आपको और आपके बच्चों को लौटाए।
परमेश्वर निरंतर आपकी प्रार्थनाओं को सुने। और बेटा आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि यूथ डे के सेलिब्रेशन के लिए भर आप लोग ना इकट्ठा हुआ करें। हर संडे यूथ मीटिंग होती है, हम लोग को थोड़ा दुख होता है कि रेगुलर बहुत कम बच्चे हैं, पर आप लोग जानते हैं जो समय आप परमेश्वर को देंगे उसके बदले में 1000 गुना आशीष को प्राप्त करेंगे, है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि यूथ मीटिंग में रेगुलर रहें बेटा, क्योंकि इस कलीसिया के का भविष्य और इस कलीसिया के मजबूत पिलर आप लोग हैं। अभी से परमेश्वर के नज़दीके में बने रहिए, अपना समय दीजिए और संगति परमेश्वर की संगति में ज़रूर आगे बढ़िए। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती समय दिया। हम आखिर में पास्टर साहब आपके साथ हम दुआ करेंगे, फिर प्रभु की प्रार्थना और फिर उसके बाद आशीष आशीर्वाद। और सभी जवानों के लिए स्नैक्स की व्यवस्था की गई है, आप सभी जवान अपना अपना शेयर लें और यदि हो सका तो बाहर हम छोटा सा एक डांस कर सकते हैं, ठीक है। क्रिसमस का एक चीज़ रह गई थी, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि जवान बेटे बेटियां एक नृत्य प्रस्तुत करें, पर समय की कमी होने के कारण बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चों की ट्यूशंस भी थी इसलिए। तो अब आप लोग की इच्छा पूरी हो जाएगी बाहर, और जिनके पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ इस खुशी में संभागी हो सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, एक बार फिर मैं युवक युवती संघ के संचालक संचालिका और समस्त टीम को, सभी जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हूं अच्छे प्रोग्राम के लिए। और इसी प्रकार जिस प्रकार आपने प्रोग्राम को किया है, आगे भी आप इसी प्रकार और आगे बढ़ते रहें और मसीह सेवा में अपना नाम ऊंचा करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद से हम ये युवक युवती संघ सांस्कृतिक कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सर्व सामर्थी ज्योत प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम। प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा प्रेमी पिता परमेश्वर जवानों ने आपके नाम को ऊंचा उठाया, आपकी महिमा किया। और प्रेमी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं युवक युवती संघ के संचालक संचालिका के लिए और सारे बच्चों के लिए, सारे पेरेंट्सों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए भेजा और पिता परमेश्वर उन्हें तैयार करवाया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सब बातों में सिर्फ प्रभु आपका नाम महिमा पाए। और प्रेमी पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में भी पवित्र आत्मा तो इन सब जवानों के जीवन के अंदर प्रभु तेरा आत्मा काम करे और इसी प्रकार प्रभु ये सब तेरे निकट में बने रहने पाए। आज की रात्रि प्रेमी पिता परमेश्वर सभी जवानों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ कि आने वाला पल आने वाला दिन इनके जीवन के लिए प्रभु आपके अनुग्रह पाने का दिन बन जाए। सब बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, आनंद, भरपूरी शांति और आशीष प्रभु कलीसिया के हर एक जवानों के साथ, आज के इस कार्यक्रम के साथ, आने वाली हर एक योजनाओं के साथ, जब तक प्रभु आप दोबारा बादलों पर नहीं आ जाते, तेरी आशीष हम सबों के जीवन में एक सी बनी रहे, आमीन आमीन।